हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, अपना थ्रेडिंग करके खुद से दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हो मेरे आईब्रो की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो मैंने सोचा था कि दिवाली में करूँगी, बट आईब्रो निकल जाने के बाद से लुक अच्छा नहीं आता है, इस वजह से मुझे अभी मैंने सोचा अभी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेती हूँ। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप खुद से आईब्रो बना रहे हो तो जैसा आप पार्लर में जाके बनवाते हो उस तरीके से फिनिशिंग नहीं मिलेगी। हाँ, अगर काम चला हुआ है, इमरजेंसी है, तो आप खुद से बना सकते हो। मेरा वीडियो देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, तो हाँ बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैम आप अपना हेयर कट नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया। तो गाइज आप देखिए, मैं हर दो मंथ पे एक बार हेयर कट, एक मंथ पे कर ही लेती हूँ। अभी मैंने अपलोड किया है, जो भी लोग ऐसा मतलब क्वेश्चन करते हैं, शायद वो मेरा वीडियो रेगुलर ही तौर पे नहीं देखते हैं। आप रेगुलर, अभी जस्ट मैंने ये बैंक कट किया था अपना, तो मैंने कट किया था तो ये यहाँ तक था, अभी थोड़ा सा बड़ा है। तो सब कुछ मैं अपलोड करते रहती हूँ, हेयर कट भी किया था मैंने, स्ट्रेट हेयर कट, यू हेयर कट और मल्टी स्टेप हेयर कट किया था अपना खुद का। बहुत सारी मेरी सेल्फ हेयर कट की वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और कल मैंने अपलोड किया था दो जुड़वा बच्चियों का हेयर कट, जुड़वा बच्चियाँ आई थी पार्लर में जिनका हेयर कट मैंने किया था, सेम ही किया था। उन्होंने अपना यहाँ से बाल बहुत ज़्यादा निकाल दिया था जिसकी वजह से मुझे उनका बैंक से इतना छोटा करना पड़ा, लेकिन एक महीने में मैनेज हो जाएगा। तो उनका हेयर कट किया था और दोनों बच्चियों का फ़ोटो भी मैंने एक साथ ही अपलोड किया था। तो मैंने आपको, जब खुद का आईब्रो बनाते हो सबसे पहले तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा हेयर है, आपने ग्रोथ देखी मेरी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है, जो एक्स्ट्रा हेयर होती है उसको कट कर दो। आप छोटे सीजर का भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बड़ा सीजर लिया हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर दिया, इधर मेरे एक्स्ट्रा हेयर नहीं है, इधर थे तो मैंने कट कर दिया है। और अभी हम लोग सेल्फ थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सेल्फ थ्रेडिंग के लिए आपको अपना जो ये फोरे मतलब सिर होता है, इतना बड़ा धागा आपको इस तरीके से लेना है और इसको कट कर लेना है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कट कर दे रही हूँ। अब इसमें एक गांठ लगा देनी है, ओके, और आपको अपनी थ्रेडिंग स्टार्ट करने, सामने एक शीशा रख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो थ्रेडिंग करने में। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम हेयर कलर करूँ, तो वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी वीडियो। तो जब आप यहाँ का आईब्रो निकालते हो तो आपको धागा कुछ इस तरीके से पकड़ना है, और बीच का निकालोगे तो स्ट्रेट पकड़ना है, यहाँ का निकालोगे तो ऐसे पकड़ना है। ओके, तो मैं पहले ऊपर से एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है, हमारे दोनों आईब्रो में हमेशा डिफरेंट होती है, एक आईब्रो बहुत घनी होती है, एक बहुत पतली होती है। मेरी भी ये वाली आईब्रो बहुत पतली है और ये वाली बहुत घनी है, तो उस हिसाब से दोनों को एक साथ, जो आपका पहले बहुत ज़्यादा घना है उस थ्रेडिंग को बना लेना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप इस वाले को बनाओगे तो ये भी पतला नहीं होगा। तो ऊपर का मैं इस तरीके से हेयर को निकाल दूँ, तो आपने यहाँ का ऊपर का तो अच्छे से मैंने बना लिया है। ओके, तो ये वाला जब आप बना ले तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको भी ऊपर वाले को पहले बना लेना, उसके बाद आप नीचे का बनाओगे। ओके, तो जैसे इधर का मैंने बनाया था तो ये वाले हाथ का, इस वाले हाथ का धागा हमने ये वाला बड़ा किया था, और इधर का बनाओगे तो आपको इस वाले हाथ का ऐसे बड़ा करना है धागा। ओके, जल्दीबाजी ना करें, एकदम आराम से। तो इस तरीके से मैं अपने आईब्रो के हेयर्स को
इक्वली रिमूव कर ले रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको भी रिमूव कर लीजिए। अब हम लोग नीचे का थ्रेडिंग निकालना स्टार्ट करेंगे, नीचे का हेयर। उसके लिए आपको ऐसे धागा रखना है ओके। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से। जब भी आप खुद से बना रहे हो तो अपने आईब्रो को ऐसे स्ट्रेच करना है जोर से ऊपर की तरफ, और उसके बाद से आपको हेयर को रिमूव करना है ओके। आराम आराम से देख सकते हो आप मैं कैसे बना रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि आप खुद से बना रहे हो तो हो सकता है कि आपका एकदम एक बार में परफेक्ट ना हो, दो चार बार आप ट्राई करोगे तो आपको परफेक्टली बनाना आ जाएगा आई ब्रो। आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। यहाँ का आपको ऐसे निकालना है, बीच में आने के बाद से आपको थ्रेड को सीधा रखना है। फिर यहाँ का आपको ऐसे करके निकालना है। यहाँ से हमको दो तीन बाल और निकालने पड़ेंगे क्योंकि इस लेवल में ये नहीं दिख रहा है इसके लिए। तो मैं एक थ्रेडिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, पूरा अच्छे से दिखा दूंगी आपको। फिर से बोल रही हूँ मैं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम लीजिए, क्योंकि आपकी थ्रेडिंग बिगड़ जाती है तो आपका फेस का पूरा लुक खराब हो जाता है। तो इसलिए टाइम लीजिए और अच्छे से बनाइए एकदम आराम से। मेरी आईब्रोज में इतनी डिफरेंट थी कि बहुत ही अलग दिखता था। अभी मैंने खुद से बनाते बनाते इनको दोनों को लगभग इक्वल कर दिया है। ओके, तो मेरा आईब्रो लगभग बनने वाला है पूरा अच्छे से। मैंने सोचा कि ये मैं दिवाली के टाइम पे ही बनवाऊंगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई थी और फिर ऐसे फेस अच्छा नहीं लगता है और फिर आईब्रो भी पता नहीं चलती कि आईब्रो है भी या नहीं, इसलिए मैंने बना लिया अभी। ये ध्यान दीजिएगा आपको ऐसे करके ही बनाना है, नहीं तो आपका लुक बिगड़ सकता है।
और कट भी लग सकता है अगर आप इसको टाइट नहीं करोगे तो, क्योंकि हम कस्टमर का बनाते हैं फिर तो हम लोग उन लोग से स्ट्रेच करवा लेते हैं, बट खुद से बना रहे हो तो आपके दोनों हाथ हैंड बिजी हैं, आप इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, तो आप इस तरीके से करके और बना लोगे। तो ये मेरी आईब्रो, एक आईब्रो ऑलमोस्ट डन है। फिनिशिंग देने के लिए जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको इधर का भी आईब्रो शेप करना है। तो चलिए इधर का मैं बना के और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये मेरा दोनों आईब्रो लगभग बन चुका है और मैं एक्स्ट्रा हेयर को कट कर दे रही हूँ और इस बार मेरा आईब्रो लगभग सेम बन। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों थ्रेडिंग बना ली है। तो आप भी सेल्फ से इस तरीके से बना सकते हो खुद से, अगर आपको इमरजेंसी या पार्लर नहीं जा पा रहे हो। मैंने जैसे कि मेरे साथ हुआ, आज मैं पार्लर नहीं जा पा रही हूँ लेकिन मेरा लुक अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो मैं दिवाली में जाके अपना थ्रेडिंग अच्छे से बनवाऊंगी और मेरा अभी के लिए काम चलाऊ सा लुक बन गया है। और आप लोग को मेरी थ्रेडिंग बनाने का तरीका कैसा लगा, आई होप कि पसंद आया हो। और हाँ गाइज, बैंग्स कट मैंने किया है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा वीडियो। और कल मैंने जुड़वा बच्चियों का हेयर कट किया था तो उसकी भी वीडियो अपलोड की है, तो वो भी जाके जरूर देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ में। ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।